एम्स रे रही जगा कालिया सेठारी ऑपरेशन हेतला आमे आपन मन नै जाउछु सीधा सड़क नुआ दिल्ली रा एम्स को एवं सेठी अछंती हम प्रतिनिधि प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, क्या खबर आ रही है? जगा कालिया अभी कैसे हैं? उनका हालत अभी कैसा है? बिल्कुल शक्ति, मैं आपको बता दूं कि एम्स में अभी फिलहाल जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और सुबह ऑपरेशन खत्म हो गया था और दोनों बच्चों को अलग कर दिया गया है सर्जरी के माध्यम से। दोनों बच्चे अभी फिलहाल आईसीयू में हैं, वार्ड में अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 48 घंटे उनको आईसीयू में रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद अगर उनकी हालत सही रहेगी तो उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि एम्स में जो डॉक्टर महापात्रा है जिन्होंने दोनों बच्चों की सर्जरी की है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे और उन बच्चों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मीडिया को देंगे, लोगों को देंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन रहा, कैसे सक्सेसफुल रहा और कितना अभी उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। 3 बजे यही एम्स में डॉक्टर महापात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही अभी जो बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे हमारी बात हुई थी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने हमसे कहा कि अभी उनको बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आईसीयू में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वहां पे बच्चे जाएंगे तो लोग अगर पेरेंट्स जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, तो इस वजह से अभी फिलहाल किसी को मिलने की इजाजत वहां पे नहीं है। अभी आईसीयू में बच्चे हैं, वार्ड में शिफ्ट 48 घंटे के बाद रखा जाएगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स का ये जरूर कहना है कि जो बच्चों की जो सर्जरी हुई थी, दोनों बच्चों को उनके जो सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो वो सर्जरी के माध्यम से दोनों को अलग कर दिया गया है, सक्सेसफुल रही है सर्जरी। दूसरे चरण की ये सर्जरी थी, पहले चरण की सर्जरी के बाद ये कहा जा रहा था कि एक बार दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी, तो दूसरे चरण की सर्जरी थी ये जो ये सक्सेसफुल रही है पूरी तरीके से और 48 घंटे के बाद ही कुछ स्थिति सामने हो पाएगी कि कब बच्चों की स्थिति कैसी है और कब उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और कब उनको घर ले जाने के लिए छुट्टी मिलेगी। हालांकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि अभी ये पूरी तरीके से बच्चे स्वस्थ नहीं है, इनको अभी 15-20 दिन एम्स अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि नॉर्मल स्थिति है, उनको बच्चे को घर ले जाया जा सकता है। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि अभी हम ये कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अभी बच्चे फिलहाल अलग हो गए, लेकिन ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी है, जो इनका जो माइंड, जो नॉर्मल आदमी का जो माइंड जिस तरीके से वर्क करता है, ये उस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा है कि इसका अभी कह पाना मुश्किल है। 70% उम्मीद है, चांसेस हैं कि जिस तरीके से नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं उनका जो दिमाग काम करता है वो इस तरीके से काम करेगा, लेकिन 30% अभी भी संशय बना हुआ है कि ये नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लोगों का जो माइंड है वो जिस तरीके से वर्क करता है वो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये कह रहे हैं कि अभी इनके 1-2 टेस्ट और होंगे, हर महीने इनको एम्स आना पड़ेगा, तो कुछ समय बाद लगभग 6 महीने या साल भर का समय लगेगा, उसके बाद ही हम कन्फर्म कर पाएंगे कि इनकी जो पूरी जो तरीके की जो स्थिति है वो किस तरीके से सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है शक्ति कि ये एम्स के डॉक्टरों की बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ी वो है कि उन्होंने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है जो काफी अच्छा उनका रहा है और इस तरीके का एम्स में ये पहला ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल रहा है, पहला ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है इस तरीके का कि दोनों बच्चों के जो सिर थे वो बचपन से ही, जन्म से ही जुड़े हुए थे और उसको सक्सेसफुली एम्स के डॉक्टरों ने, बहुत बड़ा कामयाबी माना जाता है इस ऑपरेशन को। तो प्रीति, फाइनली जानना चाहेंगे तो आपका कहना है कि हम ये मान सकते हैं कि अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं दोनों बच्चों के ऊपर से, अभी भी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता? बिल्कुल शक्ति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों के ऊपर खतरे की बात करें तो अभी पूरी तरीके से नहीं टला है, क्योंकि 48 घंटे अभी ऑपरेशन जब होने के बाद 48 घंटे बच्चों को आईसीयू में रखा गया है, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद उन बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी स्थिति क्या बनी हुई है और 48 घंटे भी अगर ऑब्जर्वेशन में सही रहे, आईसीयू में उनकी स्थिति सही रहेगी तो उनको आईसीयू से बाहर निकाला जाएगा, अदरवाइज उनको
आईसीयू में ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक 3 बजे जो डॉक्टर महापात्रा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो 3 बजे पूरी स्थिति शक्ति साफ हो जाएगी कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके बहुत की बहुत शुक्रिया प्रीति आपकी जानकारी के लिए। प्रीति श्रीवास्तव आम प्रतिनिधि नवा दिल्ली, प्रतिनिधि एम्स सम्मुख रोजा सूचना दौले कि 48 घंटा पर्यंत ऑब्जर्वेशन रे रहिबे, किंतु 3टा बेले समय रे अशोक महापात्र प्रोफेसर डॉक्टर अशोक महापात्र जहांक तत्वावधान रे पूरा ऑपरेशन होतला, 30 जणिया टीम लागिथिले अभिज्ञ न्यूरोसर्जन देसर, एवं सीए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गणमाध्यम को जणैबे जे वास्तव रे किभली थला ऑपरेशन, केते चैलेंज थिला, एवं वर्तमान कौन स्थिति रही छि, आगु को कौन स्थिति सेवानकर रहिबो, संपूर्ण सुस्थ सेवा रहै छथि कि नाही, केते दिन डाक्टर खाना रखिबो, से माने नॉर्मल भावरे बा स्वाभाविक भावरे जीवन बंची पारिबे कि नाही, घर को केबे फेरि परिबे, सब जो संदेह रही छि मन भीतर समस्तंकर, सारा ओडिसा वासिंकर समस्तंकर प्रार्थना थिला जे जगा कालिया सुस्थ होंतु, समस्तक मनरे संदेह मध्य रही छि, द्वंद्व रही छि, से सब दूर हेबो बोधुए 3टा बळे जते बळे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक महापात्र गणमाध्यम को संबोधन करिबे।